नर्मदा संदेश एक संकल्प मां नर्मदा सभी की मनोकामना पूर्ण करे। नर्मदा जन्मोत्सव पर नर्मदा संदेश परिवार अपना अवध अभिनंदन कार्यक्रम भगवान श्री राम के अयोध्या की झांकी के साथ महाआरती एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम व कोरोना योद्धाओं का सम्मान आदि कार्यक्रम तिलवारा घाट पर आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नर्मदा का जन्मोत्सव 19 फरवरी को मनाया जा रहा है। नर्मदा जयंती के इस महापर्व पर नर्मदा तटों पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु जमा हो रहे हैं। शुक्रवार की सुबह से श्रद्धालुओं का नर्मदा तट पर आना प्रारंभ हो गया। इसके बाद रात को 12 बजे नर्मदा की महाआरती की जाएगी। इसके लिए जबलपुर के प्रमुख नर्मदा तट तिलवारा, गुआरी घाट, भेड़ा घाट और घाट में लाखों श्रद्धालु पहुंचेंगे। श्रद्धालु आसानी से नर्मदा तट पर पहुंचे सके इसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस ने विशेष व्यवस्थाएं की हैं। नर्मदा तटों तक वाहन नहीं जा सकेंगे और वाहनों के लिए अलग से पार्किंग व्यवस्था कर दी गई है। इस दौरान नर्मदा में नाव का संचालन पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। नर्मदा तटों पर पुलिस और होमगार्ड के जवान मोटर बोट पर तैनात कर दिए गए हैं, जिससे नर्मदा के पानी में किसी भी तरह की दुर्घटना को रोका जा सके। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए 1000 से ज्यादा पुलिस के जवान और अधिकारी तैनात किए गए हैं। आमतौर पर नर्मदा जयंती पर लगभग 5 लाख श्रद्धालु नर्मदा तटों पर जमा होते हैं। आदर नर्मदे हर, नमामि देवी नर्मदे, नमामि माते पार्वती। नर्मदा संदेश संकल्प परिवार नर्मदा जन्मोत्सव पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता है, सभी का वंदन करता है, अभिनंदन करता है और अपनी यह 9वें वर्ष में अपना वार्षिक उत्सव और माँ का जन्मोत्सव हम नर्मदा संदेश परिवार अपनी अवध अभिनंदन जो हमारी इस वर्ष की थीम है उसको लेकर हम माँ का जन्मदिन जन्मोत्सव मना रहे हैं और इसमें जो एक वैश्विक महामारी से हम गुजरे हैं और गुजर रहे हैं कोरोना, उस संकट के समय में जिन्होंने निस्वार्थ समाज में इस राष्ट्र को जो समर्पण दिया है उन योद्धाओं का आज इस मंच के द्वारा सम्मान है, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी और हमारे मध्य प्रदेश किसान मोर्चा के अध्यक्ष भाई दर्शन सिंह जी चौधरी, परम पूज्य जगतगुरु राघवदेवाचार्य जी, अजय विश्नोई जी, दीपांकर बैनर्जी जी, ऐसे कई प्रशांत सिंह जी, ऐसे कई अतिथि आज यहाँ उपस्थित होंगे जो कोरोना योद्धा का सम्मान करेंगे और हम जो एक प्रत्येक वर्ष अपने कार्यक्रम में ध्यान रखते हैं कि एक व्यवस्थित कार्यक्रम हम इस तिलवारा घाट को दे सकें, इसमें सबने हमारा तन मन से यहाँ के निवासी हो, चाहे हमारे नर्मदा संदेश के एक एक सिपाही हो, निरंतर 1 महीने से इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा योजना चल रही थी जिसको आज आप कार्य रूप में यहाँ देख रहे हैं। यह अयोध्या का भगवान राम का वह स्थान जो हमने कितने बलिदानों के बाद आज यहाँ प्रत्यक्ष रूप में आज हम देख पा रहे हैं कि जिस सदी में हम जीवित हैं और जीवंत रूप में हम इसका साक्षात निर्माण देख पा रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। तो उसी का साक्षात उदाहरण आज हमने यहाँ प्रस्तुत किया है जो नर्मदा संदेश परिवार यहाँ और माँ रेवा मातृशक्ति मंडल जो हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर हर कार में हमारे साथ खड़ी है और यहाँ धर्म जो निर्माण निधि है जो अयोध्या राम मंदिर की, वह भी यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा एकत्रित की जा रही है और साथ ही नर्मदा संदेश की सदस्यता अभियान निरंतर जो चल रहा है वह भी
दिया जा रहा है। मैं सभी से यही प्रार्थना करूंगा कि माँ नर्मदा को स्वच्छ और निर्मल रखने के लिए हम जो भी कार्य कर सके और अपने अंतर मन से हम सभी यह प्रण करें कि हम माँ नर्मदा को दूषित नहीं होने देंगे और अपनी आस्था के पीछे जो हमारा भाव है उसको पवित्र भाव से हम सब यह निर्णय लेंगे कि हम किसी भी रूप में नर्मदा को प्रदूषित ना होने दें और पुनः नर्मदा जन्मोत्सव की शुभकामनाओं के साथ जय हिंद जय भारत। नमामि देवी नर्मदे नमामि मातु भारती। आज से 9 साल पहले नर्मदा संदेशिक संकल्प की स्थापना नर्मदा प्रकटोत्सव के अवसर पर ही हुई थी 2013 में, और तब से लेकर अब तक नर्मदा संदेशिक संकल्प संस्थान माँ नर्मदा का जो प्रकटोत्सव आयोजित करता है वो किसी न किसी थीम के ऊपर आयोजित करता है। हमने अपनी शुरुआत आह्वान से करी थी, ये 2013 की बात थी। राज्य 2021 में हमारी जो थीम है माँ नर्मदा के प्रकटोत्सव को आयोजन करने की, वो प्रभु राम का जो मंदिर, विश्वख्यात मंदिर जो आकार ले रहा है अयोध्या में, उसको समर्पित किया हुआ है। इसलिए आज इस वर्ष माँ नर्मदा के प्रकटोत्सव की हमारी थीम अवध अभिनंदन है। हम लोग साल भर समाज सेवा करते हैं, प्रकृति का संरक्षण करते हैं, पर्यावरण का संरक्षण करते हैं और जरूरतमंदों की सहायता करते हैं। हम लोगों का मानना ये है कि पूजा करने वाले हाथों से ज़्यादा अच्छे सेवा करने वाले हाथ होते हैं, इसलिए हम अपने जल स्रोतों को द्रव्य पूजा की बजाय भाव पूजा से साफ सुथरा रखें, यही कहना है। नरेंद्र सिंह ठाकुर, संरक्षक। आज नर्मदा जयंती के उपलक्ष्य में पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमान सिद्धार्थ बहुगुणा सर के निर्देशन में चाक चौबंद व्यवस्था लगाई गई है। करीब 50 पुलिसकर्मी तिलवारा घाट पर व्यवस्था के लिए लगाए गए हैं। पार्किंग की भी स्पेशल व्यवस्था की गई है, इसमें लिटिल वर्ल्ड स्कूल में भी पार्किंग की व्यवस्था की गई है और 2-व्हीलर 4-व्हीलर की अलग अलग पार्किंग की गई है। और यहाँ पर जो तिलवारा घाट पर जो दर्शनार्थी आ रहे हैं इनकी सुरक्षा के भी और व्यवस्था के लिए भी प्रॉपर इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं की बात की जाए, लगभग कितनी संख्या में अभी श्रद्धालु? फिलहाल तो जैसे आप देख रहे हैं कि करीब 2000 श्रद्धालु तिलवारा घाट पर हैं, दर्शन का लाभ ले रहे हैं और लगातार लग रहा है कि ऐसी संख्या, सुबह से थोड़ी संख्या कम थी, अभी लगातार संख्या लगातार बढ़ रही है, तो संभवतः शाम तक और बढ़ेगी संख्या। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9039011886 एवं 9770229।